बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि वर्कशीट्स हमने सीखा था पिछले क्लास में। जो वर्कशीट्स थे वो सभी ग्रामर ही थे। अभी हम सीखेंगे वो भी रिलेटेड ग्रामर ही है। यहाँ पे देखिए, अभी मैं लिखते जाऊँगी इन शब्दों के एकवचन और बहुवचन को आपको जोड़े बनाकर लिखना है। जैसे कि अभी मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे दिखाऊँगी इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन के सही जोड़े बनाकर लिखे, ठीक है। यह हो गया सही जोड़े बनाकर लिखे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। मैं वर्ड्स लिखूँगी, शब्द यहाँ पे लिखूँगी, जैसे कि जूता, कॉमा, पौधा, चूड़ियाँ, जूते, चूड़ी, डिब्बे। यहाँ देखिए डिब्बे, दिस इज नॉट ह, दिस इज द डिब्बे, ठीक है। यहाँ डिब्बा, पौधे, डिब्बा, माफ कीजिए, किताब, डिब्बा, डिब्बा, कुर्सियाँ, कुर्सी, कुर्सी, और किताबें। अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लाइन खींचूँगी और यहाँ पे एक वचन और बहुवचन आपको इस बॉक्स में लिखना है। एक वचन यहाँ देखिए, एक वचन और बहुवचन। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अभी जूता, जूता एक रहा तो हम जूता बोलते हैं, दो रहे तो हम जूते बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जूता है, ये जो है ये एक वचन, यहाँ पे जूता करके हम लिखेंगे, ठीक है, जूता। दूसरा वाला जो है पौधा, पौधा एक ही रहा तो हम पौधा बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं पौधे बोलते हैं, ये भी पौधा, ये भी एक वचन है पौधा। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ एक रहा तो हम चूड़ी बोलते हैं, बहुत सारे रहे तो चूड़ियाँ बोलते हैं, तो यहाँ पे हैं चूड़ियाँ, ठीक है। और तीसरा वाला जो है, मैंने कहा कि जूता, जूते, जूते भी बहुवचन, ठीक है। उसके बाद चूड़ी, चूड़ी जो है यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत सारे हैं तो बहुवचन हुआ, और यहाँ पे चूड़ी है तो एक ही है, तो यहाँ पे चूड़ी एक वचन है। डिब्बे,
बहुत सारे रहे तो डिब्बे बोलते हैं, ये गिरा तो डिब्बा बोलते हैं। यहाँ पे है डिब्बे। माफ कीजिए, डिब्बे। डिब्बे और पौधे, बहुत सारे पौधे। पांचवा जो है किताब। किताब जो एक है तो किताब। डिब्बा एक है, डिब्बा ठीक है। कुर्सियां यानी कि बहुत सारी हैं, कुर्सियां ठीक है। उसके बाद कुर्सी, कुर्सी एक है। कुर्सी, किताबें बहुत सारी हैं। ये हो गया एकवचन और बहुवचन। अभी आपको क्या करना है, ये एकवचन जो है ऐसे वाले आपको 10 अक्षर खुद ब खुद ढूंढ के लिखने हैं। आपके मम्मी के हेल्प से तो लिखिए, नहीं तो आपके पापा यानी कि हेल्पफ्रेंड के हेल्प के साथ आप एक वचन और बहुवचन के अक्षर, एक वचन अक्षर 10 लिखिए और बहुवचन के 10 लिखिए। ये रहा आपका आज का होमवर्क। आज का अगले क्लास में हम सीखेंगे, यानी कि आगे हम सीखेंगे लिंग पहचान कर लिखिए, ठीक है। लिंग पहचान ही है, यहाँ पे लिखती हूँ देखिए, ठीक है। लिंग पहचान कर लिखिए। पहला वाला जो है, पहला अक्षर है, माफ कीजिए, कुत्ता, औरत, आदमी, राजा, शेर, रानी, हथनी, बंदरिया, तोता, कुमार, गाय, बैल, मोरनी, कुमारी। अभी आपको लिंग पहचानना है, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे अभी मैं लिखती हूँ, यहाँ पे है स्त्री लिंग, ठीक है, और यहाँ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह हो गया। कुत्ता जो है, कुत्ता यहाँ है, कुत्ता का फीमेल है कुतिया, तो यहाँ पे है कुत्ता पुल्लिंग, कुत्ता पुल्लिंग। औरत है, वो है लेडी, तो वो है स्त्रीलिंग, औरत, ठीक है। आदमी है, वो भी पुल्लिंग है, आदमी पुल्लिंग। उसके बाद राजा, राजा भी एक आदमी है, वो भी है पुल्लिंग, ठीक है। रानी, वो है स्त्रीलिंग, औरत, ठीक है। शेर जो है, वो भी है स्त्री, माफ कीजिए, पुल्लिंग। हथनी है, वो है स्त्रीलिंग। बंदरिया, वो भी है स्त्रीलिंग। तोता, पुल्लिंग। कुमार, पुल्लिंग। गाय, स्त्रीलिंग। बैल, पुल्लिंग।
मोरनी स्त्रीलिंग, और सातवां वाला जो है कुमारी स्त्रीलिंग। इस तरीके से आपको अपने क्लासवर्क में ये वाला देखकर आपको लिखना है। ये देखिए, ये रहा आज का होमवर्क क्लास। आपको नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है? धन्यवाद।